हम आप जनता वाले हैं, हमसे भूल कैसे हो तो अरे बिल्कुल भी यह समझने की गलती मत कीजिएगा कि कोई इस सज्जन को मार रहा है। वे वहां अपनी मर्जी से रो रहे हैं और जब 5 साल आराम से घर में बैठकर खाएंगे, जनता को लूटेंगे, तो चुनाव के समय रोना ही पड़ेगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह खास आदमी है कौन। पहले उनका परिचय जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा में एक ग्राम पंचायत है तेलहरा। यह सज्जन वहां से पिछले 15 साल से लगातार मुखिया का पद संभाल रहे हैं। अब शायद माजरा आपके समझ में आने लगा होगा। पिछले 5 साल से रोज चाय में मलाई डालकर पीने वाले मुखिया जी को आभास हो गया है कि शायद अब की बार जनता उनके चाय से मलाई निकाल लेगी। तो अब वे गांव में जाकर गांव की महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच रोने लगते हैं। उन्हें पता है कि फिर अगले 5 साल अगर इंदिरा आवास के नाम पर कमीशन लेना है तो चुनाव के समय का 5 दिन जनता के बीच में रोकर गुजारना होगा। वैसे तेलहरा पंचायत के मुखिया जी हैं बहुत ईमानदार। वे वही गांव में रोते हुए गांव की महिलाओं को बता रहे हैं कि जब हम आप लोगों को किसी रैली में लेकर जाते हैं तो खाना अपने घर से ही खिलाते हैं। वे बता रहे हैं कि हम कभी रैली में ले जाने के लिए कपड़ा का भी कमी नहीं होने दिए हैं। मतलब कि मुखिया जी रैली में ले जाने के बदले खाना खिला देते हैं और महिलाओं को साड़ी दे देते होंगे तो उन्हें इस बात का अधिकार मिल जाता है कि इंदिरा आवास में कमीशन लेना ही है। आवास में कमीशन की बात जब गांव की महिलाएं करती हैं तो वे कहती हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। बाकी हम जब उनके ग्राम पंचायत के कुछ लोगों से बात किए तो कई अनोखी बातें हमें पता चली हैं और आगे तेलहरा पंचायत के मुखिया अवधेश गुप्ता की इसी अनोखी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि विश्वविद्यालय बनवाने से लेकर किस प्रकार से अब अगर वो मुखिया बन जाएंगे तो इंदिरा आवास सबको दे देंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहली बात तो यह कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि मुखिया जी वहां जाकर खुद को वैश्य समाज का इकलौता प्रत्याशी घोषित करते हैं। वे कहते हैं कि हम वैश्य समाज के इकलौते उम्मीदवार हैं। आगे अपनी जाति को समझाते हुए मुखिया जी कहते हैं कि आज के जातिवादी युग में हर कोई अपना जाति देख रहा है। इसके बाद मुखिया जी असली बात कहते हैं कि ऊपर से नेता सब आने वाला था लेकिन हम मना कर दिए, कहे कि गलती हमसे हुआ है तो हम जाकर हाथ पैर पकड़ेंगे और भूल चूक के लिए माफी मांगेंगे। वैश्य समाज के एकमात्र हम कैंडिडेट हैं। अब आप लोग सोचिए, हर कोई आज के जातिवाद युग में हर कोई अपना जात देख रहा है। हमारे स्टेट से बड़े बड़े कानून समाज के नेता आने के लिए थे यहाँ। हम कहा कि आप ऊपर से आसमान से काहे लाइएगा, हम जाके भूल चुक हुआ है, गोड़ हाथ पड़ेंगे, लोगों से माफ़ी मांगेंगे कि आइंदा इस बार मेरा पावर है, इस बार से गलती नहीं होगा। मतलब कि मुखिया जी को इतना पता है कि पिछले 5 साल में उन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया है। अब जब 5 साल खूब मलाई वाला चाय पिए हैं तो चुनाव के वक्त हाथ पैर पकड़ना ही पड़ेगा और जनता के बीच जाकर रोना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक बात सोचिए कि कोई प्रत्याशी सिर्फ इसलिए आपसे आपका वोट मांग रहा है क्योंकि वह आपकी जाति से ताल्लुक रखता है। दूसरी बात यह कि मुखिया जी यह भी बता रहे हैं कि रैली में ले जाने के लिए किस प्रकार से भीड़ जुटाई जाती है। वे पूछ रहे हैं कि रैली में जब पटना ले जाते हैं तो पैसा या कपड़ा का कभी कमी होने दिए हैं। इसके बाद एक चीज सुनकर हमें बहुत हैरानी हुई कि जो मुखिया जी कहते हैं कि इंदिरा आवास हमारे हाथ का नहीं है, वे वहीं बैठकर विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तेलहरा विश्वविद्यालय का पूरा कागज तैयार हो गया है। वे दावा करते हैं कि हमारे पास पूरा कागज है, आप देख भी सकते हैं। 1332 करोड़ का बजट भी मुखिया जी बताते हैं और इसके बाद वहां खड़े लोगों को सपना दिखाते हैं कि जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तो आपका लड़का भी पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। अब आप सोचिए कि इंदिरा आवास मुखिया जी के हाथ में नहीं है लेकिन 1300 करोड़ से ज्यादा बजट का विश्वविद्यालय बनवाना मुखिया जी के हाथ में है। अगर इतना आसान है तो अंकित जी का घर वहीं खोजपुरा गांव में है, एक विश्वविद्यालय या छोटा सा कॉलेज वहां भी मुखिया जी बनवा देते तो बहुत कृपा होती। बाकी जब लोग इंदिरा आवास में घुस का जिक्र करते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि हम एक सिक्का भी नहीं लिए हैं, वह सब बिचौलियों का काम है। अब हमारा सवाल मुखिया जी से उनके एक जनप्रतिनिधि होने के नाते है, अगर आप इतने ईमानदार हैं और अपने आवास तथा शौचालय में एक सिक्का नहीं लिया है तो आप जिस प्रकार से रैली में भीड़ जुटाने के लिए पैसा देकर लोगों को लेकर पटना आ जाते हैं, उसी प्रकार से अपने जिला मुख्यालय पर जाकर कितनी बार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
रैली में ले जाने के लिए गांव के लोगों को पैसा देना पड़ता होगा, लेकिन घूस का जब आप विरोध करने जिला मुख्यालय पर लोगों को लेकर जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके पैसा भी नहीं लेगा, बल्कि वह ऐसे ही जाने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि वह उसके हक की बात है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। और बिहार का हर एक व्यक्ति जानता है कि पंचायत स्तर पर जो आवास और शौचालय बनाया जा रहा है, जो बांटा जा रहा है, उसमें कौन सा खेल हो रहा है। बाकी आप वैश्य समाज के एकलौते उम्मीदवार हैं, तो हमको उम्मीद है कि आज भी जाति के नाम पर वोट डालने वाले लोग फिर से आपको 5 साल के लिए अपना नेता चुन लेंगे। एक और खास बात है कि पिछले 15 साल में आवास का फंड और सूची तैयार करने की जिम्मेदारी मुखिया जी के पास नहीं थी, यह बात वे खुद बोल रहे हैं, लेकिन वे यह भी बता रहे हैं कि अगर अब की बार हम चुनाव जीत गए तो यह सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। और जब सब कुछ मुखिया जी के हाथ में आ जाएगा तब तो पूरे पंचायत में वे आवास और शौचालय बांट ही देंगे, मतलब कि चुनाव के वक्त सब हो जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बस मलाई वाला चाय पीकर मुखिया जी आराम से सोने का आनंद लेंगे। हम बात कर रहे थे तो किसी ने 3-4 प्रमुख कार्य बताया कि जब किसी के घर शादी होता है तो मुखिया जी वर और वधु को आशीर्वाद देने जरूर पहुंच जाते हैं, इसके अलावा किसी के अंतिम संस्कार में भी मुखिया जी जरूर पहुंचते हैं और वहां जाकर एक फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद से उसे फेसबुक पर डाल देते हैं, कैप्शन भी कुछ लिखते होंगे। इसके अलावा पत्रकारों को कथित रूप से धमकी देने का आरोप भी मुखिया जी पर लग चुका है। बाकी अपने जाति के इकलौते उम्मीदवार हैं तो उनका जीतना बहुत जरूरी भी है। कल तेल्हड़ा पंचायत में चुनाव है तो इसके लिए शुभकामना रहेगा, और जीतने पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगली बार वोट मांगते समय फिर रोना ना पड़े। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और जाति के नाम पर वोट मांगने वाले मुखिया जी लोगों से उनके काम का हिसाब मांगिए, और अपने मुखिया जी से भी पूछ लीजिए कि क्या वो भी कोई 1300 करोड़ से ज्यादा बजट का विश्वविद्यालय बनवा सकते हैं, अगर बनवा सकते हैं तो वोट दे दीजिए। बाकी फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। अवंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।